हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ लर्निफाई आईक्यू। दिस इज मेघना एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इस लेक्चर में, इस सेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें बैक्टीरिया के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही क्लासिफिकेशन होता है, उसके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, जिसमें हम इस लेक्चर में इस बैक्टीरिया पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, फिर जो स्टडी को करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप उनको अपनी खाली आंखों से, नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उनको देखने के लिए, और उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आप कर रहे हैं उनको देखने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्कोप कहा जाएगा। और इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिफर किया जाता है, या फिर उन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपको? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज विच में एग्जिस्ट इन इट सिंगल सेल फॉर्म और एज कॉलोनी ऑफ सेल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है, या तो सिंगल सेल फॉर्म में होगा या फिर कॉलोनी के फॉर्म में होगा। जो भी लोग इसकी स्टडी, मतलब इसकी जो स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। एंड द साइंटिस्ट जो इसकी स्टडी कर रहे हैं या फिर इसकी पूरी से डील कर रहे हैं पूरे तरीके से, उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके बाद से अगर हम देखेंगे तो माइक्रोबियल जो लाइफ है काफी पहले से एग्जिस्टेंस में है, एंशियंट टाइम से वो सारी चीजें सामने आई, फिर अलग अलग जगह पे इसका मेंशन भी किया गया है। इवन जैन स्क्रिप्चर्स जो है 6th century BC इंडिया के, उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पॉसिबल एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट हो गया, फंगई हो गया, एल्गी हो गया। अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए क्यों जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि आप अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, फिर डिजीजेस से रिलेटेड कोई वैक्सीन्स आई हैं, क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कोई नई बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो वो सारी चीजें जब आपको पढ़नी होती है तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिसीज हो रही है। ये जानना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस लेक्चर को या फिर इस पूरे सेशन को कवर करने के बाद, जितने भी पार्ट्स होंगे उसके, तो ये सारी चीजें आपको इजी कर देंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट कहाँ है, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या ये एक ही जगह पर पाए जाते हैं या फिर पूरे अर्थ में इनका एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ में हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड दे आर प्रेजेंट इन एयर, सॉइल, वाटर, फूड, क्लोथ्स, जो आपके यूटेंसिल्स हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका टेबल चेयर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, इनका प्रेजेंस रहता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस भी है जहां पर ये एक्सेस अमाउंट पे प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ पूरा अर्थ है और अर्थ में पूरे में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं, तो हम देख सकते हैं जैसे अगर कोई सड़ी हुई चीज रखी हुई है, खराब हो गई है, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे। कोई मॉइस्ट प्लेस है तो वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर कोई सिक एनिमल है जो बीमार है काफी दिनों से, प्लांट्स हैं जो खराब हो गए, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे। ठीक है, अगर पानी पानी बहुत दिनों तक भरा हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर आपने देखा होगा, जहां पर भी स्टैग्नेंट वाटर दिखेगा तो उसमें काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। काउडंग हो गया, यूरिन हो गया, इन सब में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं अधिक से अधिक मात्रा में। अगर हम उनके हैबिटेट्स को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले आ जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो ऑन लैंड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हैं, मार्शी लैंड्स हैं, ठीक है, जो दलदल होता है वहां पर भी प्रेजेंट है। फिर अगर हम जाएंगे मार्शी लैंड्स हो गए ये वाला टेरेस्ट्रियल में। इसके बाद जब एक्वेटिक में जाएंगे कि पानी में कहाँ कहाँ पर है, तो एस्चुरीज जो होती है, हार्बर्स, रिवर्स, लेक्स, इन सब में, वेटलैंड्स वगैरह में काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद से मरीन वाटर है, तो हाईली डाइवर्स एनवायरनमेंट है जहां पे 33-37% सैलिनिटी है, लेकिन यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में आपके एयर में प्रेजेंट है,
और लिविंग होस्ट में भी या फिर लिविंग होस्ट में जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सारे जो हो गए वो हैबिटेट हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको काफी डाइवर्स एनवायरमेंट में मिल रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा जो आपके स्वैम्स होते हैं वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये काफी डाइवर्स एनवायरमेंट है, डाइवर्स हैबिटेट्स हैं इनके। इसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 10 से 70 डिग्री सेल्सियस में जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। इतना ज्यादा टेम्परेचर भी होगा, इस रेंज में भी चला जाएगा तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। इस टाइम पर जब ऐसी एडवर्स कंडीशन आती है तो एडवर्स कंडीशन के टाइम पर इनके पास खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए भी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन आ रही है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने अराउंड इस तरीके से सिस्ट बना लेंगे। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट की कवरिंग बना देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर, और जैसे ही इनको लगता है कि अब सारी कंडीशंस आसपास ठीक हो गई हैं, फेवरेबल हो गई हैं, तो इस सिस्ट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इन फेवरेबल एट अ टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे ब्रेक द सिस्ट एंड कम्स आउट फ्रॉम द सिस्ट। ठीक, इसके बाद से हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगई, एल्गी, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो चलिए देखते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया सबसे पहले तो बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना। सबसे पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि स्मॉल एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जब हम देखते हैं तो हमने देखा, जब हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था तो एक बेसिक चीज देखी थी कि ऑर्गेनिजम्स या तो आपके मल्टी सेलुलर होंगे है ना, या फिर आपके सिंगल सेल्ड होंगे। तो अगर मैं बात करी हूँ मल्टी सेलुलर की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ह्यूमंस में बहुत सारे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है और अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं ह्यूमंस के लिए वो। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंगल सेल की, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है और वो एक सेल पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे काम उस एक अकेले सेल को ही करके देने हैं। तो इस सिंगल सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ही क्या होता है, आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, इसके बाद से ये हर जगह पाए जाएंगे हर अर्थ पर, ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, बट और वाइटल भी होते हैं काफी। अगर प्लैनेट का इकोसिस्टम अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो बैक्टीरिया का बड़ा रोल काल होता है इसमें। कुछ स्पीशीज जो है आपकी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी सर्वाइव कर सकती हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो ये अपने अराउंड एक सिस्ट की वॉल बना लेती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में भी काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं और हमारे लिए काफी बेनिफिशियल भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमारे लिए हार्मफुल ही होंगे। आपके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया जो है काफी यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक माइक्रोबायोम क्रिएट करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में ये माइक्रोबायोम जो है काफी बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होंगे, उचित नहीं होंगे, एंड सम अदर बैक्टीरिया विच मेक्स अस सिक है ना। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो हमारे हमें बीमार करने का काम कर रहे हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी अगर हम फंक्शनिंग देखें तो बहुत ही तेजी से डिवाइड होते हैं और अपने अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, अब ये जो बैक्टीरिया है इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो बाइनरी फिशन मेथड होता है। अगर बाइनरी फिशन मेथड आपको याद है, अमीबा में हमने पढ़ा था, तो अगर मान लीजिए ये सेल है और इसके बाद से ना सेल में आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, फिर उसका डिविजन चालू होता है। तो इस तरीके से पहले तो अंदर का जो ये साइट न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होना चालू होता है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन इसके अराउंड साइटोप्लाज्म है, फिर साइटोप्लाज्म भी क्या होगा धीरे धीरे ऐसा एक्सपेंड होगा ये, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये पूरा सेपरेशन हो जाता है, तो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो बैक्टीरिया वो रिप्रोड्यूस करता है इसी बाइनरी फिशन के मेथड से, जो कि अमीबा में पाया जाता है आपका, और बहुत तेजी से इसका अमाउंट इंक्रीज भी होता है, जल्दी जल्दी डिविजन होता है, इसलिए बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने बैक्टीरिया के बारे में देखी। इसके बाद देखते हैं कि अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हो जाते हैं। आप बेसिक अपने जीवन में नाम सुनते होंगे जब आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो उसमें आप अलग अलग पढ़ते हैं कि कोई डिसीज इससे हो रही है, हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं है ना, जीएस कवर करना होता है जब हमें, तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि बैसिलिस का नाम सुनने मिल रहा है, कोकई का नाम बहुत सुनने मिलता है, स्पायरेला भी सुनने मिलता है,
तो ये बहुत ही कॉमन नेम्स है। तो ये जो डिफाइन किए गए हैं वो बेसिस ऑफ शेप्स में ही हमने बैक्टीरिया को अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले स्फेरिकल शेप होता है, तो स्फेरिकल शेप है या फिर सर्कुलर शेप में मिलेगा, तो इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, कोकई कहा जाता है। एंड दीज बैक्टीरिया कैन बी राउंड, ओवल, इलोंगेटेड या फिर बीन शेप के इस तरीके से दिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका स्टेपीलोकोकस, तो ये जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, इसको कोकई कहते हैं। इसके बाद रॉड शेप्ड की अगर हो रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, बैसिली कहा जाएगा। इस तरीके से रॉड लाइक शेप होता है तो उसको क्या कहा जाता है, बैसिली, है ना। बहुत सारे जगह बैसिलिस पढ़ते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलिस है आपका, तो वो क्या होगा, इस रॉड लाइक शेप में होता है, इसलिए उसको बैसिली कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपका बैसिली सीरियस। इसके बाद आता है अगर कोई स्पाइरल शेप का इस तरीके से दिख रहा है, स्पाइरल शेप में, तो उसको कहा जाएगा स्पाइरेला, ठीक है। स्पाइरला है और ये स्प्रिंग की तरह के इस तरीके से दिखते हैं, मल्टीपल कर्वेचर्स होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जो आगे स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये क्या है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला बेसिकली क्या होता है, एक बैक्टीरिया के मूवमेंट पे हेल्प करता है, कि अगर बैक्टीरिया को आगे मूव करना है तो वो इसी की हेल्प से इस तरीके से टेक टेक कर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस ऐसे शेप्स वाले को स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। स्पाइरला भी कहते हैं, जो स्पाइरल शेप के होंगे इसको स्पाइरला कहेंगे। फिर आ जाता है आपका कॉमा। जब कॉमा मार्क हो इस तरीके से, ये कॉमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे जो आपको कहा जाता है इसको, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर को वाइब्रोस कहा जाता है, ठीक है। ये वाला हम पढ़ रहे हैं, वाइब्रोस कहा जाएगा। और वाइब्रोस जो है ये बैक्टीरिया स्लाइटली कर्व्ड रॉड्स होते हैं, कॉमा शेप्ड के होते हैं। वाइब्रो कोलेरी होता है, कोलेरा जैसे होगा, है ना। वाइब्रो वल्निफिकस होता है। इसके बाद कॉकस्क्रू भी होते हैं, स्पाइरो के ये बोलते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया जो है टाइटली कॉइल्ड एंड ग्राम नेगेटिव होते हैं, दे आर फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। बेसिकली जो आपके कॉकस्क्रू वाले बैक्टीरिया हैं, स्पायरोकैरियोट्स, ये कहाँ पर मिलते हैं, आपके जो स्टैग्नेंट वाटर है, काफी देर से पानी भरा हुआ है, उसमें इस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये हो गया कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसके बाद आ जाते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया के अराउंड क्या प्रेजेंट होगा, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, स्टेटमेंट कि हाँ बैक्टीरिया में सेल वॉल होती नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद से ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूड होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। फिर फ्लैजिलम होता है जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर में आ जाता है बैक्टीरिया के क्या क्या, क्या चीजें हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फ्लैजिला होता है, जिसमें ऐसे ही देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किसी में सिर्फ एक होगा फ्लैजिला, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा फ्लैजिला दिखाई देंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला जो बैक्टीरिया वो लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद से अब बैक्टीरिया हमारे लिए इतने बेनिफिशियल क्यों है, क्यों ज्यादा जरूरी है, तो यूजेस क्या है बैक्टीरिया के, हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो फॉर द क्रिएशन ऑफ सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स देखिए, जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया, तो इथेनॉल इससे क्रिएट किया जा रहा है, किससे, बैक्टीरिया से, है ना। एंजाइम्स आपके हैं तो ये सारी चीजें बैक्टीरिया से बनाई जा रही है। फिर कुछ ड्रग्स बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, जैसे आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, तो जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्या हो गए, कहाँ से बन रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से ही बन रहे हैं। जो वैक्सीन्स हो गई वो भी बैक्टीरिया से डेवलप की जाती हैं। इसके बाद देखेंगे जो बायोगैस है, तो बायोगैस जो मीथेन है आपका, बेसिकली वो भी किससे बनाया जा रहा है, बैक्टीरिया को यूज करके ही बनाया जा रहा है। इसके बाद कुछ आपके जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जो आपके समुद्र हैं, ओशियंस है, उसमें ऑयल स्पिल्स हो जाए, इतनी सारी शिप्स चल रही तो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, उस ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है। फूड का फर्मेंटेशन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका स्टेम थेरेपी होती है, जीन थेरेपी होती है बेसिकली, तो जीन थेरेपी में जब नॉर्मल जीन्स को ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर किया जाता है, तब हम बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं कि बैक्टीरिया इसको कैरी करके लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं, इसलिए बैक्टीरिया इतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशियल यूजेस दिए हैं बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है कोगुलेशन के थ्रू, है ना। इससे लैक्टिक एसिड बनता है बाय ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ये मेनली जो है शुगर लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करता है, और कर्ड में लैक्टोबैसिली ग्रो करती है,
और जितना ज्यादा लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा दही खट्टा होगा। तो ये क्या करता है, मिल्क को खट्टा कर देता है, सोरिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। इसके बाद बैक्टीरिया से ही फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं आजकल जो कि बैक्टीरिया से ही बनाए जा रहे हैं और वो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक आपका एजिटोबैक्टर का नाम सुना होगा, रोडोस्पाइरलिन सुना होगा, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया तो बहुत कॉमन यूज होता है, साइनोबैक्टीरिया एनेबिना है। जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो एजिटोबैक्टर का नाम सुनते हैं, एनेबिना है, नॉस्टिक है। तो ये सारे जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं। इसके बाद से कुछ बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन का अगर हम प्रोसेस देखेंगे, जैसे आपका वाइन वगैरह बनाई जा रही है तो ग्रेप्स इस तरीके से हार्वेस्ट किए गए, उसके बाद से उसको प्रॉपर वॉश किया, सॉर्टिंग की, अलग अलग जो खराब ग्रेप्स थे उसको अलग कर दिया, जो अच्छे ग्रेप्स थे उसको अलग कर दिया, और उसके बाद से पूरा उसको मैश कर दिया जाता है। मैश करने के बाद सेटल डाउन किया जाता है उसको, और सेटल डाउन करने के बाद से फर्मेंटेशन का प्रोसेस की बैक्टीरिया में रख देंगे आप उसको बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और उसकी एजिंग करवाई जाती है। मतलब वाइन जितनी पुरानी होगी उतनी असरदार होती है, ऐसा होता है अलग अलग चीजों में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एजिंग करवाई जाती है, काफी दिनों तक उसको रखा जाता है, सालों तक भी रखा जाता है, और इसके बाद से उसकी बॉटलिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, की एंजाइम्स के एक्शन से सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यूजेस हमने देख लिए, तो यहाँ पे आके कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपकी बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं। यहाँ पे तो हमने यूजेस देखे क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया थे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें वो हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं और इनको क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है, डिसीज कॉसिंग पैथोजेंस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज एंड अ मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ, दे कैन रिप्रोड्यूस क्विकली इन बॉडी एंड रिलीज टॉक्सिन्स जो हमारे टिश्यू को डैमेज कॉज कर सकते हैं, और उसके वजह से हमें काफी सारे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो अगर हम डिसीज कुछ ऐसी बैक्टीरियल डिसीजेस हम देख लेते हैं जो कि किसके कारण हो रही है, हार्मफुल जो आपके पैथोजेंस है उनके कारण हो रही है, बैक्टीरिया जो हार्मफुल उनके कारण हो रही है। तो बैक्टीरियल अगर हम डिसीजेस देखेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्लेग हुआ है ना, प्लेग इसका एग्जाम्पल है। अगर डिसीजेस हमें पढ़नी है तो हम उसको सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि डिसीजेस आपके जीएस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होती हैं। डिसीजेस क्या हैं, फिर क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है इंडिया में उसके लिए, है ना, कितना कौन सा ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली पड़ता है, या फिर जो भी आपके गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है ना, नेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको काम करने के लिए कुछ टारगेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो सारी चीजें हम सेपरेटली कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो प्लेग हो गया बैक्टीरियल डिसीजेस में, इसके बाद से डिप्थीरिया जो आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी डिप्थीरिया इंक्लूडेड होता है, टिटनेस भी इंक्लूडेड है, तो टिटनेस भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, बैक्टीरियल डिसीज है। इसके बाद से जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है टीबी है ना, ये भी किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से ही होता है। निमोनिया हो गया, ये भी बैक्टीरिया से हो रहा है। इसके बाद से जो आपका कोलेरा है वो भी बैक्टीरिया से ही हो रहा है। तो ये सारी बैक्टीरियल डिसीजेस है, आप ये याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर डिसीज है वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से हो रही है। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और कोलेरा जो है वो सारी बैक्टीरियल डिजीजेस है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो स्ट्रेप थ्रोट कॉज करता है, कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोकोकस जो आपका बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे कोकस लगा हुआ है तो वो किस शेप का हमने देख लिया, शेप देखा, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी है जिससे टिटनेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने जो टिटनेस देखा वो। अब लेप्रोसी हो रहा है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, एंड अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रहा है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बैक्टीरिया के बारे में वो हमने कवर कर ली। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा है आज, और इसके बाद से हमने देख लिया कि बैक्टीरिया होता क्या है, बैक्टीरिया के शेप्स के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग नाम्स होते हैं, और स्ट्रक्चर हमने देखा कि बैक्टीरिया है उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि बैक्टीरिया में उसका जेनेटिक मटीरियल भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल डीएनए है ना। इसके बाद हमने देख लिया कि कुछ बेनिफिशियल यूजेस हैं बैक्टीरिया के और कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है बैक्टीरिया। इसके बाद से कौन कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो बैक्टीरियल डिसीजेस हैं जिनको हम डिटेल में बाद के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एवरीवन।